बिहार का एक इलाका है सासाराम, जहां शेरशाह सूरी का मकबरा पूरी दुनिया में मशहूर है। सासाराम से 56 किलोमीटर के फासले पर एक जिला है कैमूर, जहां आज भी बिहार के दूसरे शहरों की तरह हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के दुख सुख में तन मन से शामिल होते हैं। इसी कैमूर के एक मध्यम वर्ग परिवार के आंगन में एक दुल्हन फरहाना खातून विदा होकर आई थी। सुना है जोड़ियां आसमान में बना दी जाती हैं, बस उनका मिलन धरती पर होता है। कुछ ऐसी ही सोच फरहाना की भी थी, जो अपने मन में खूबसूरत और नाजुक अरमान समेटे अपने शौहर रिजवान का इंतजार उसके सजे हुए कमरे में कर रही थी। वैसे तो मेरे साथ बहुत दिनों से बहुत अजीब अजीब सी चीजें हो रही थी घर पर, मगर उस रात उस परछाई को देखकर हम सहम गए थे। फिर अचानक हमको चोट लगने की वजह से घबराहट और थकान का एहसास होने लगा। किसी तरह हम अपने हालात पर काबू पाकर कमरे में पहुंचे। वो हम थक से गए हैं, आराम करना चाहते हैं, और तुम भी ये भारी भरकम कपड़े बदल कर सो जाओ। सचमुच बड़ा खराब लग रहा था। सुहागरात भी कोई ऐसा सुलूक थोड़ी ना करता है। शादी में आके मामले में झमेले होते रहते हैं। शायद सचमुच रिजवान थक गए होंगे, लेकिन हमारी शादी तो बड़ी सादगी से हुई थी। खैर, यही सोचते सोचते हम सोने को चले गए। हमारी शादी का लहंगा हमारी आंखों के सामने जलकर खाक हो रहा था, पर हैरानी की बात तो ये थी कि उसमें आग लगी कैसे। ना तो वहां पे कोई लालटेन या डिबिया थी, ना ही कोई अगरबत्ती। हमारा तो मूड ही खराब हो गया। आप इतने सुबह सुबह टेंडर जमा करने जा रहे हैं, आज लास्ट डेट है। नाश्ता बाहर खा लेंगे।
सुनो, वो शादी का कपड़ा जलने वाली बात के बारे में अम्मी अब्बा से कुछ मत कहना, ठीक है? जी। हम दोनों दरगाह जा रहे हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। और हाँ, रिजवान आए तो खाना खिला देना। जी। सिंदूर, बिंदी, ये सब इस घर में कौन लगाता है? अम्मी तो नमाजी है।
हेलो हेलो, हम बोल रहे हैं रिजवान। सुनिए, यहाँ घर में कोई है? अरे अपनी बात बाद में सुना ना, पहले मेरा सुनो। देखो तो कहीं पेपर गिरा है रूम में। हेलो, पेपर नहीं मिल रहा है। पलंग के नीचे देखो, वहीं पर गिरा होगा। रिजवान कहाँ रह गए थे और इतनी देर क्यों लगा दी? तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे अम्मी समझा करें, टेंडर भरने गए थे, उसी का मेन पेपर खो गया था, उसे बनाने में पूरा दिन गुजर गया। लेकिन आखिर बात क्या हुई? हम लोग दरगाह से वापस आए तो दुल्हन अपने कमरे में बेहोश पड़ी थी। होश में आने के बाद मंगलसूत्र, सिंदूर और किसी रूह को देखने की बात बता के बहुत जोर जोर से रो रही थी। अरे हम तो बहुत समझाए उसे, अब तुम ही जाके संभालो। देखते हैं। फराना, क्या हुआ हमको बताओ। कुछ है इस घर में, जरूर कुछ है, पर मुझे कोई कुछ बता नहीं रहा है। कुछ डरो मत, हम है ना तुम्हारे साथ। देखिए ना, अचानक से यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रुको, हम बाम लगा देते, अभी ठीक हो जाएगा। संदेह ये सब उसकी आत्मा कर रही है, वो क्रोधित भी है और बेचैन भी है। पर हम लोगों ने तो उसे दफना दिया था। पर हिंदू रीति रिवाज से नहीं ना? क्या करते, उसके घर वालों ने उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। धर्म ना बदलने की वजह से कब्रिस्तान वालों ने भी मेघा को दफनाने से इनकार कर दिया। इसलिए हमने जंगल में उसे दफना दिया।
और बैग हमें दे दो। वो देखो रिजवान, मैंने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, लेकिन मैं अपना धर्म और रीति रिवाज नहीं छोड़ सकती। अरे हम तुमको कुछ बोले क्या? चलो अंदर चलो, अम्मी अब्बा को हम सब समझा दिए हैं। एक हरानी, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? चलो। बहू, ये सब हम लोगों में नहीं होता है, तो हो सके तो नहीं। आते ही आप शुरू हो गए, ये क्या भी फिजूल की टोका टाकी कर रहे हैं आप? आपसे कहा था ना कि ये धर्म वर्म नहीं बदलेगी, समझाया था ना आपको? अरे लेकिन हम धर्म बदलने के लिए थोड़ी कह रहे हैं, हम तो बस नहीं। आप भी ना, मेघा मेघा सुनो तो, ठीक है मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। बेटा तू इन कपड़ों में बाजार गई थी, मोहल्ले वाले क्या सोचते होंगे? अब मोहल्ले वालों के डर से बुर्का पहनना शुरू कर दूं? अम्मा प्लीज, ये सब नहीं होगा मुझसे। अच्छा रिजवान मुझे अपने साथ ले जा रहे, वरना आप लोग तो मेरा जीना मुश्किल कर देते। बेटा तीन महीने की तो बात है, तुम परेशान मत हो, तीन महीने में फैमिली वीजा करवा के हम तुमको भी बुला लेंगे। मेघा मेघा, तुमको हमारी बात पे भरोसा नहीं है क्या? देखो सिर्फ तीन ही महीने की तो बात है। देखो तीन महीने तो यूं ही पलक झपकते बीत जाएंगे, और हम तुम्हें रोज वहां से कॉल भी तो करेंगे। कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मेरा वीजा क्यों नहीं हुआ। देखो हमने बहुत कोशिश की, पर ये कंपनी वाले 2 साल से पहले फैमिली वीजा नहीं देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा रिजवान, कितना टाइम लगेगा? एक काम करो, तुम खुद आ जाओ यहाँ पर। अरे तुम पगला गई हो क्या? देखो सिर्फ 1.5 साल की तो बात है, और हम कंपनी में बात कर लेंगे, तुम थोड़ा सब्र रखो। झूठ मत बोलो रिजवान, झूठ मत बोलो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम खुद नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ आकर वहां रहूं। तुम ये चाहते हो ना कि मैं 1.5 साल तक तुम्हारे माँ बाप की गुलामी करूं? ये तुम क्या सन की लोगों की तरह बोल रही हो? देखो रिजवान, मुझे सनकाओ मत, नहीं तो क्या? हा? रिजवान मुझे ये बताओ कि तुम वापस आ रहे हो या नहीं। अरे वापस जाने के लिए आए हैं क्या? तुम्हारी खोपड़िया एकदम खराब हो गई है, कल बात करेंगे, फोन रखो। बकवास मत करो रिजवान अपनी, तुम्हें यही सब करना था तो शादी क्यों की तुमने? तुम्हारे माँ बाप की गुलामी करवाने के लिए, या फिर वहां पर अय्याशी करने के लिए? अरब देश में कोई अय्याशी करता है क्या? फोन रखो, कल बात करेंगे। रिजवान मुझे पहले जवाब चाहिए कि तुम वापस आ रहे हो या नहीं, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे अब तुमको जो करना है करो, और मरना है तो मरो। रिजवान रिजवान यही है तेरी मोहब्बत रिजवान?
मैं सारे रिश्ते घर द्वार छोड़कर तुम्हारे लिए आई, और तू कहता है कि मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता। मेरे प्यार, मेरे इमोशंस, किसी चीज की परवाह नहीं है तुम, किसी चीज की कदर नहीं की तुमने, छोड़कर चले गए। रिजवान, तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूँ। इतना बुरा हाल करूंगी तेरा, किसी दिन के बाद पछताएगा तू, किसी के बाद पछताएगा। तीन महीने में फैमिली वीजा करवा कर वागो भी बुला लेंगे, बुला लेंगे। ये कंपनी वाले दो साल से पहले वाली वीजा नहीं देंगे, नहीं देंगे। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। अरे अरे, अब तुमको कुछ वो करना है करो, और मरना है तो मरो। धोखा हुआ है हमारे साथ, आप सब लोगों ने मिलके धोखा किया है हमारे साथ। हम रिजवान की दूसरी बेगम है। क्यों किया आप लोगों ने ये सब, क्यों किया? देखो बेटा, उस शादी में क्या क्या हुआ ये सब जान चुकी हो। अब खुद को मजबूत करो और रिजवान का साथ दो। अब तुम उसके शरीक हयात, उसकी बीवी हो बेटा। इस हालात में अगर कमजोर पड़ के उससे शिकायत करोगी, उसे छोड़ के चली जाओगी, क्या ये ठीक होगा? सोचो, सब्र करो बेटा, अल्लाह सब ठीक कर देगा। बेटा, हमको अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है। मामला तो पेचीदा और तुम्हारे लिए धर्म संकट वाला है। उपाय तो है, मगर तुम कर पाओगे? गुरुजी, संकट से छुटकारा पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बेटा, आज रात में ही उसकी आत्मा की शांति के लिए हमें नारायण बलि की पूजा करनी पड़ेगी। लेकिन पूजा के लिए अब्बा बिल्कुल राजी नहीं थे, मगर हम किसी भी तरह इस परेशानी और बला से छुटकारा चाहते थे। लेकिन उस पूजा वाले रात जो हुआ, वो आज भी सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते। पाने के लिए ये सब कर रहे हो ना, तुम भूल गए रिजवान कि हम और तुम एक दूसरे से कितना प्यार करते थे,
हमने सबसे लड़कर एक दूसरे का साथ पाया था रिजवान, आज तुम इस लड़की के लिए, इस लड़की के लिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? नहीं रिजवान, रिजवान आओ, आओ मेरे पास रिजवान, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। रिजवान, तुम ये क्या कर रहे हो? ये मर चुकी है, इसकी आत्मा के शांति के लिए ये मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तुम उसके पास मत जाओ, उसे मत देखो, तुम हस्तियां लेकर के यहाँ आओ। रिजवान, तुम इस लड़की के साथ जिंदगी बिताना चाहते हो ना रिजवान? लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अस्थियां अर्थी पला करके रख दो। सब कुछ ठीक है, पर डर का ये तजुर्बा ना पहले कभी हुआ था और ना आगे कभी हो। हम अल्लाह मियाँ से यही दुआ करते हैं कि वो मेघा की रूह को हमेशा के लिए सुकून दे। आत्माएं अपने आसपास होने वाले हर चीज पर अपनी पैनी निगाह रखते हैं, और यदि उनके परिवार में कोई किसी व्यक्ति के साथ धोखा करता है तो वह उसको पसंद नहीं करते। मेघा के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि वह सुहागन मरी थी और उसकी आत्मा अभी भी जागृत थी। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि इंसान का बिलीफ सिस्टम जिंदगी के बाद भी कैरी होता है। कई आत्माओं को देखा गया है कि वो अपने रिलीजियस बिलीफ से हमेशा जुड़ी रहती है। मेघा के केस में भी कुछ ऐसा ही था। मेघा एक हिंदू फैमिली से थी, उसने आग लगाकर खुद को खत्म कर लिया था और उसका जो रिचुअल है हिंदू रीति के अनुसार पूरा नहीं हुआ था। इंसानों के बिलीफ सिस्टम के साथ इंसानों की जलन भी उसके मरने के बाद तक कैरी होती है। रिजवान के केस में जो दूसरी बीवी थी वो मेघा के लिए एक जलन का सब्जेक्ट था। मेघा की जलन दूसरी बीवी को देख के और भड़क गई, और शायद वो चाहती थी कि उस घर में कोई दूसरी औरत ना आए। कई बार झल्लाहट, क्रोध और जिद में उठाया हुआ एक कदम दूसरे बेगुनाह लोगों के लिए दुख और दहशत का एक ऐसा सफर शुरू कर देता है जिसका अंत कभी नहीं होता। रिजवान और उसके घर वालों ने दूसरे धर्म की रस्मों का लिहाज रखते हुए जो फैसला किया वो उनकी जिंदगी के लिए रहमत बन गया। उन लोगों ने सही वक्त पर सही कदम उठाने की समझदारी दिखाई, पर ऐसा करने की समझ सबके पास नहीं होती। We'll be right back.
जमशेदपुर। ये शहर झारखंड का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इस सुंदर और विकासशील शहर को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मुख्य औद्योगिक शहर है। आज की कहानी है कृतिका की। कृतिका एक फौजी परिवार की बेटी थी। हर टीनेजर की तरह कृतिका भी बेफिक्र और चंचल थी। कितना मजा आया है ना? मैं तो सोच रही हूँ कि कल उसके बेंच पे ना च्युइंग गम चिपका दूंगी। देख लेना उसका शक्ल कैसे रोटलू जैसा होता है। चलना रिया, इतनी स्लो क्यों चला रही है? कृतिका, आज कब्रिस्तान के शॉर्टकट के बजाय बाहर से चले क्या? क्यों, डरती हो? रोज वहीं से तो शॉर्टकट मारते हैं, आज क्या हुआ? पता नहीं क्यों आज डर सा लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, मैं कर्नल सिन्हा की बेटी हूँ, भूत भी आर्मी वालों से डरते हैं। आजा आजा, देखते कोई नया मेहमान तो नहीं आया है वीकेंड में। कृतिका, आर यू मैड? तू मैं एक दिन पछताएगी तेरे मजाक करने की वजह से। क्यों, क्या होगा? भूत आएगा? ओ कम ऑन रिया, अब तक कुछ नहीं हुआ है तो आज क्या होगा? तुम नहीं मानोगी, ठीक है वहीं से चलते हैं। ले आ गई तेरी फेवरेट जगह, कब्रिस्तान। क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? पहले स्कूल, फिर ट्यूशन, उसके बाद रोज कब्रिस्तान से आना जाना, मुंह तो लटकेगा ही ना। अच्छा हुआ ये कब्रिस्तान का शॉर्टकट है, वरना घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती। कृतिका जल्दी चलाना, मुझे पता है ना मुझे इस जगह से डर लगता है। रोज यहीं से जाते हैं और रोज करती है, कितनी बार समझाए भूत वो कुछ नहीं होता है। तेरा किसी भूत से पाला पड़ेगा ना, डर क्या होता है तब तुझे पता चलेगा। तुम भी ना। वो क्या था? क्या कृतिका, वहां पे कुछ भी नहीं है, चल यहाँ से। चल कोई नहीं वहां पे। चेन को भी अभी निकलना था। कृतिका जल्दी कर, बहुत देर हो रही है। क्या हुआ, जल्दी कर। मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ये क्या हुआ है सर? वही एग्जाम्स के दिनों का प्रेशर, अब जब तक एग्जाम्स चलेंगे इसका मूड ऐसे ही रहने वाला। एग्जाम्स? ओह या या, आई टोटली फॉरगॉट अबाउट इट।
अच्छा बेटा, हम लोग बाहर जा रहे हैं, शाम तक लौटेंगे, ठीक है? बेटा, तुम घर में अकेली हो, अपना ख्याल रखना, घर के सारे दरवाजे अच्छी तरह बंद कर देना। ओके पापा। एंड फोकस ऑन योर एग्जाम्स, ओके? यस पापा। बाय पापा। बाय बेटा। बाय मॉम। बाय बच्चा। हेलो, 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 कौन बोल रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? मैं कौन? कौन बोल रहा है? ठीक हूँ। ओके। हेलो रिया, क्या तुम अभी मेरे घर आ सकती हो? हाँ अभी, इसी वक्त, प्लीज जल्दी आना। कृतिका के साथ लड़का कौन है? रिया, अच्छा हुआ तुम आ गई। क्या हुआ तुझे? डर लग रहा है, बिलीव नहीं होता। और यहाँ टेरिस पे क्या कर रही है? रिया, फोन पे अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, वो लड़का कौन था? लड़का? कौन लड़का? जिसके साथ तू थी। ओ प्लीज यार रिया, अब तुम शुरू मत हो जाना।
कल से अजीब अजीब सी घटनाएं घट रही है मेरे साथ। बोलना, वो लड़के को कहाँ छुपा दिया? कौन लड़का? यहाँ पर कोई नहीं है। मम्मी पापा आ गए, चलो नीचे चलते। तुम मेरे कमरे में रुकना, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? पहले वो डरावना सपना आया और आज वो फोन कॉल। मैंने सोचा आपको सब कुछ बता दूं। बेटा सपने तो सपने ही होते हैं ना, आखिर इसमें इतनी घबराने वाली कौन सी बात है? और बेटा वो फोन कॉल, मुझे लगता है कोई सिविल तुमसे मजाक कर रहा है। नहीं, और इसलिए मैंने रिया को बुला लिया, वो मेरे कमरे में। पापा मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन रिया मेरे साथ रहे, मेरे कमरे में। ठीक है, अगर तुझे लगता है कि रिया के यहाँ रहने से तुझे कंफर्टेबल फील होगा तो फिर मैं उसके पेरेंट्स से बात कर लेती हूँ, हाँ, और उसके कपड़े भी मंगवा लेती हूँ, ठीक है? सुनाई दे रही है क्या? कैसी आवाज? कौन सी आवाज? कृतिका, मुझे सिर्फ तेरी आवाज सुनाई दे रही है। प्लीज सोने दे यार, और तू भी सो जा। गुड नाइट वंस अगेन। कृतिका बेटा, इतनी रात के अकेले कहाँ जा रही? कृतिका बेटा, कृतिका बेटा, कृतिका बेटा, कैप्टन साहब को बताना होगा।
तो यही था, ये मैं कहाँ गई? जेम्स मैस्करेन्स, हमेशा से प्यार की तलाश थी जो मुझे मौत के बाद तुमसे मिला। अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहूंगा कृतिका, और अगर तुमने ना किया तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा हमेशा के लिए, समझ गई ना? कृतिका बेटा, कृतिका, कृतिका, कृतिका बेटा, कृतिका बेटा, कृतिका, कृतिका बेटा, कृतिका, कृतिका, फादर, फादर, शी इज माय डॉटर कृतिका। हेलो कृतिका। हेलो फादर। बेटा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस तुम मुझे सच सच बताओ, जो जो तुम्हारे साथ हुआ है वो मुझे बताओ। वो फादर, ये सब तब शुरू हुआ जब मैं और मेरी फ्रेंड रिया ट्यूशन से घर लौट रहे थे। हम रोज की तरह कब्रिस्तान से शॉर्टकट ले रहे थे। कल रात उस लड़के से मिलने के बाद मैं बेहोश हो गई। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि वो लड़का एक स्पिरिट है भी या नहीं, या वो कृतिका के दिमाग का एक वहम है। इट कुड जस्ट बी हैल्यूसिनेशन। The Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. देखो कृतिका, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा उस लड़के जेम्स की कब्र से क्या संबंध है? Kritika, tell me the truth. वो
वो फादर, कुछ दिन पहले मैं और रिया ट्यूशन से घर लौट रहे थे कि अचानक मेरी नज़र एक कब्र पर पड़ी। वो देखो रिया, एक नई कब्र, ये यहाँ पहले नहीं थी। चलो देखते हैं। रहने दो ना कृतिका, हमें क्या लेना देना। कम ऑन यार, हमेशा डरती रहती है, चलो ना। कितनी छोटी उम्र थी इसकी, हाउ सैड ना। हाँ बहुत सैड है, अब चले यहाँ से। रुको ना। हाय जेम्स, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है कि तुम इतनी कम उम्र में मर गए। अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती ना तो बहुत सैड होती। अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती ना तो बहुत सैड होती। वैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? कौन है, कहाँ है, कैसी है? लेकिन हो सकता है उसको कोई नया बॉयफ्रेंड मिल गया हो। हाउ सैड यार, अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती ना तो जिंदगी भर किसी और को मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बना देती, हर रोज ना तुमसे मिलने आ जाती। एनीवेज कुछ और तो नहीं कर सकती हूँ, कम से कम तुम्हारे लिए प्रेयर तो कर सकती हूँ ना। आई विश तुम्हें मौत के बाद आराम मिले, तुम जहाँ रहो तुम्हें प्यार मिले और भगवान तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करे और तुम आजाद हो जाओ। देखिए जो बात मैं आपसे कहने वाला हूँ उसे ज़रा गौर से सुनिएगा। वहाँ से निकलने के बाद मैंने जेम्स के बारे में पता किया। जेम्स एक आवारा और बदनाम लड़का था, छोटी सी उम्र में ही वो बिगड़ गया था। इनफैक्ट जिस दिन उसकी एक्सीडेंट में मौत हुई उस दिन भी वो एक लड़की से बदतमीजी करके बाइक से भाग रहा था। जेम्स एक ज़िद्दी रूह है, छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होगा। आपका कहने का मतलब यह है उस रूह से आप हमारी बच्ची को बचा नहीं पाएंगे? नहीं, और मैं अकेले तो ये बिल्कुल नहीं कर सकता, वो बहुत शक्तिशाली है। इसलिए मैंने रांची से फादर इवांस को बुलाया। आई होप वो कल शाम तक यहां पहुंचाएंगे। आप हैं फादर इवांस? हेलो फादर, एक खास हमारी मदद के लिए यहाँ आए हैं। फादर, मेरी बेटी को उस प्रेत से छुटकारा तो मिल जाएगा ना? फेथ इज एवरीथिंग, गॉड पे भरोसा रखना होगा आपको। आई थिंक फादर अब हमें ग्रेवियार्ड चलना चाहिए। चलो बेटा। आप लोगों को किसी को आने की जरूरत नहीं है, कृतिका हमारे साथ
अकेली ही जाएंगी। नहीं फादर, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, नहीं मुझे नहीं जाना। क्या कह रही हो बेटा? मामा प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। माय चाइल्ड, मेरी बात ध्यान से सुनो। आई प्रॉमिस यू, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हैव फेथ इन गॉड, ट्रस्ट मी। I now ask you to anoint me from head to foot with your anointing, with your power, and with your authority to take these demons head on. You have already told us in your word that in my name they will cast out demons, and that you gave the early apostles the power over unclean spirits, and that they cast out many demons. सामने आओ, शो योरसेल्फ। चाइल्ड, तुम बुलाओ उसे, और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारे कहने पर जरूर आएगा। जेम्स, सामने आओ। जेम्स, प्लीज सामने आओ। सामने आओ जेम्स, मैं तुम्हें बुला रही हूँ, सामने आओ। परेशान कर रहे हो इस बच्ची को? क्योंकि मुझसे प्यार करती है फादर, और मैं इससे। झूठ बोल रहे हो तुम, कृतिका तुमसे प्यार नहीं करती। कृतिका तुमसे प्यार नहीं करती, लीव हर नाउ। आई सेड लीव। हाँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ जेम्स। आई हेट यू जेम्स, आई हेट यू, आई हेट यू जेम्स। Father, your word tells me that the sword of the Holy Spirit is your word. Father, in Jesus' name, let your word be my sword. Father, I repeat, let your word be my sword. मेरा कुछ भी कर सकता, Father। मैं देखता हूँ अपने कर्तिका और मेरे बीच में कौन आएगा।
अब मैं हमेशा के लिए उसको अपने साथ ले जाऊंगा। तुम मेरे और मेरे गॉड के रहते कृतिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। Go away! Go away! Go away! पढ़ने लिखने में खेलने में हमेशा प्रसन्न रहने वाली, अपने सहेलियों के अपने परिवार के साथ रहने वाली लड़की किस तरीके से वो प्रेतात्मा से ग्रसित हो गई। वास्तव में ऐसी करोड़ों घटनाएं रोज होती हैं। लोग तड़पते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और आज तक विश्व में इसका किसी मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। कृतिका की एक छोटी सी नादानी ने उसको एक बहुत ही बड़े भंवर में फंसा दी। यूजुअली देखा गया है कि आत्माएं उन्हीं लोगों का पीछा करती हैं जो आत्मा से डरते हैं। जिंदगी का एक रूल है, आप जिससे डरोगे वो आपको भगाएगा, लेकिन जिस दिन आप डरना बंद करके अपने डर को फेस कर लेते हो, डर आपसे कहीं दूर भाग जाता है। इस मामले की सारी असलियत उन्होंने मेरे सामने रख दी, मुझे ट्रेनिंग भी दी और मेरा डर भी कम हो गया।